शशि थरूर के बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कांग्रेस की दुर्दशा पर सवाल उठाए और स्थायी अध्यक्ष की मांग कर डाली। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी अगर तैयार नहीं हैं, तो पार्टी को उनके इंतजार में वक्त नहीं गंवाना चाहिए और किसी तीसरे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में लंबे समय से सियासी उठापटक का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने एक साल पूरा होने वाला है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही अपना स्थायी अध्यक्ष भी चुन सकती है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की होड़ में माने जा रहे नेताओं में सबसे आगे राहुल गांधी का नाम ही सामने आ रहा है। हालांकि राहुल ने इस अध्यक्ष पद से पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दिया था और अब तक उनकी तरफ से इस पद पर लौटने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान नहीं संभालना चाहते तो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए। सिंघवी ने कहा, यही पार्टी है जिसने हाल ही में 10 साल शासन किया, यही पार्टी है जिसमें मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 60% राज्यों के चुनाव जीते। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी विजय का सवाल है, हमारी अभी बहुत बुरी हालत है। सिंघवी ने आगे राहुल का पक्ष लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति अध्यक्ष था 2019 में हार गया, उसे हम दोबारा अध्यक्ष नहीं बना सकते, ये गलत है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर वे निर्णय नहीं लेते हैं तो ये गलत होगा कि उसका कोई विकल्प नहीं निकाला जाए। अगर राहुल निर्णय नहीं ले रहे हैं तो अध्यक्ष पद के लिए कोई ना कोई विकल्प निकालना भी आवश्यक है। उस उहापोह में पार्टी को नुकसान होता है, ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।